हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का मेरा वीडियो है इवनिंग रूटीन, जिसके अंदर मैं कवर करने वाली हूँ मेरा डिनर रूटीन एज वेल एज डिनर के बाद मैं क्या करती हूँ वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बता दूँ दैट मैं मेरा डिनर अराउंड 8 o'clock तक बना देती हूँ, ताकि मैं वियान को नीचे लेके जा सकूँ खेलने के लिए। एंड हम दोनों जाते हैं नीचे आफ्टर 8 और वियान खेलता है अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ उसके स्कूल के फ्रेंड्स हैं और कुछ उसके अपार्टमेंट के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वियान खेलता है और फिर हम लोग ऊपर आते हैं और फिर डिनर खाते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्प्राउट की सब्ज़ी और मैं अभी 4 sprouts उसके अंदर यूज़ करूँगी। और जो मेरी सब्ज़ी है वो ग्रेवी वाली है, उसके साथ साथ रोटी एंड खिचड़ी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। सो मैंने चॉप्ड कर दिए हैं टमाटो, अनियन, कोरिएंडर लीव्स एंड करी पत्ता। तो ये है स्प्राउट्स, 4 types के स्प्राउट्स, और जिसमें मैंने बॉईल कर लिया है महाराष्ट्र मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और आटा भी गूंद के रख लिया है मैंने। और ये है स्पाइस बॉक्स, यानी सेइंग हाय। तेल गरम होने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी राई, देन जीरा, असाफटीडा, हिंग, और उसके बाद में मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिल्ली, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड करी पत्ता। तो आज मैं 4 different types ऑफ स्प्राउट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें है चौली, चना, मूंग एंड मटकी। तो इन चारों चीज़ों को मैंने 8 to 9 hours तक भिगो के रखा था और उसके बाद में मैंने इसे 4 सीटी लगा दी है। उसके बाद में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अनियन को, मैं अभी लाइट ब्राउन होने दूंगी। अनियन ब्राउन हो गए हैं, अभी इसके अंदर मैं ऐड करूंगी टमेटोज और मिक्स करके फिर उसे ढक दूंगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और साइड में मैं रोटी बनाने की तैयारी भी स्टार्ट कर दूंगी। मैं जो आटा गूंद के रखा है उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर साइड में रख दूंगी ताकि मैं फटाफट रोटी बनाना स्टार्ट कर सकूँ। सो इसकी जो मेथड है वो सिमिलर है मिसल पाव की मेथड की तरह। मिसल पाव के अंदर हम लोग ऐड करते हैं मटकी एंड मूंग, और इसके अंदर और हम लोग डिफरेंट दाल और यूज़ कर रहे हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर टर्मरिक, धनिया जीरा पाउडर, अभी मैं डालूंगी लाल मिर्च एंड देन गरम मसाला, अभी मैं ऐड करूंगी महाराष्ट्रियन मसाला। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं, सिर्फ आप अपना गरम मसाला यूज़ करें। और उसके बाद में कश्मीरी रेड मिर्च, ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अभी मैं ऐड करूंगी सॉल्ट और इन सारे मसालों को मैं मिक्स कर लूंगी। सारे मसालों को मिक्स करने के बाद में इसके अंदर मैं ऐड करूंगी जो मैंने स्प्राउट्स बॉयल की है वो, और उसे ढक कर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। और उसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक होने दूंगी, बिकॉज़ अगर वो पतला रहेगा तो उतना टेस्टी नहीं लगेगा। सो उसे ढककर थोड़ी देर तक पकने दूंगी। और साइड में मैंने खिचड़ी की भी तैयारी कर दी है, तो खिचड़ी को मैंने ऑलरेडी आधे घंटे पहले भिगो दिया था और उसके अंदर हल्दी और नमक भी ऐड कर लिया है। अभी मुझे सिर्फ उसको 4 सीटी लगानी है। मैंने खिचड़ी साइड में चढ़ा दी है और जो मेरी सब्ज़ी है उसे भी ढककर थोड़ी थिक होने के लिए साइड में रखा है। और अब बारी आती है रोटी की।
अभी आप देख सकते हैं कि ये थिक हो गया है, तो इसके अंदर अभी मैं ऐड करूँगी कोरिएंडर लीव्स और उसे मिक्स करके फिर मैं गैस को बंद कर दूँगी। अभी मैं प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लूँगी, तो सारी चीज़ें मैं पहले जगह पर रख दूँगी और जो वॉश करनी है वो मैं बेसिन के वहाँ ले जाऊँगी और प्लेटफॉर्म को क्लीन कर दूँगी। सो जो चीज़ें मुझे डिशवॉशर में रखनी है उसे मैं पानी में एक बार क्लीन करके और फिर रख दूँगी साइड में, ताकि मैं उसे लोड कर सकूँ डिशवॉशर के अंदर। और जो चकला बेलन और जो मेरा चॉपिंग बोर्ड है वो मैं वॉश करके साइड में रख लूँगी, उसे मैं डिशवॉशर में लोड नहीं करती, इसलिए मैं उसे वॉश करके और फिर साइड में रख दूँगी। मैंने सारा खाना सर्विंग प्लेटफॉर्म पे रख दिया है और अभी मैं गैस और मेरा प्लेटफॉर्म को क्लीन कर दूंगी। अभी मैं और वियान जा रहे हैं नीचे प्ले एरिया में और वियान तैयार है। और यह है वियान की नई साइकिल जिसे उसे बहुत मज़ा आता है चलाने में, एंड उसकी फ्रेंड के साथ वो खेलेगा अभी। सो केशा खेलने के लिए नहीं आए क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वियान थोड़ी देर ही खेला और वो फटाफट घर पर आ गया। तभी मैं बना रही हूँ सलाड, इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ कच्ची केरी एंड अनियन, और इसके अंदर मैं डालूंगी जो केरी का अचार मसाला आता है वो, उसके साथ साथ थोड़ा सा जीरा और नमक। अगर आपके घर पे अचार मसाला नहीं है तो आप इसके अंदर सिर्फ लाल मिर्च, जीरा और नमक डालें, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और साथ साथ में रेडी है मेरी मसाला छाछ भी। तैयार है हमारा एकदम हेल्दी फूड, तो ये जयदीप को और मुझे दोनों को बहुत ही पसंद है, तो अभी हम लोग खा लेंगे। ये है फरकी श्रीखंड, अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो आपको आइडिया रहेगा श्रीखंड के बारे में, एंड अगर आप नहीं जानते तो ये अहमदाबाद का बहुत ही फेमस श्रीखंड है और बहुत सालों से मिलता है। तो ये है क्रीम फ्रूट वाला श्रीखंड और ये मेरा सबसे फेवरेट है। तो अभी हम लोग खा लेंगे और मेरा वीडियो होता है ख़त्म। सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।